I know if you know this, मैंने पहली में लिखा था अच्छा you know, सब, सब लगता है मुझे रजनीकांत सर के फोटो भेजे थे without his wig, without his makeup. And मैंने कुछ सोचा नहीं था आईट इज ब्लॉग्ड इट एंड नेक्स्ट डेट जो कॉमेंट्स मिले इट वॉज इन ट्रोलिंग इट वॉज जस्ट से हाउ कुड यू डू दैट अगर थाउजेंड फुटबॉल ग्राउंड्स की चेयर uh, को मैं लूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा फॉर दिस पर्सन दर आई एम सो ऑनर टू बी इंटरव्यूइंग टुडे क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू लिया है बट आई फील ऑनर्ड टू इंटरव्यू नॉट जस्ट समबड़ी हु हुज़ अ फेलो रेडियो जॉकी बैक इन द डे बट जिसकी जर्नी से कोई भी इंस्पायर हो सकता है मिस मालिनी वेलकम टू अर्चू का शो वेलकम टू रेडियो सिटी एंड फॉर बीइंग वायरल इवन बिफोर द वर्ड वायरल केम इन थैंक यू फॉर दैट इनक्रेडिबल इंट्रो एंड जैसे हम बात कर रहे थे अर्चना so <laughs> really मैं आपके लिए क्या कहूँ मेरे hmm. रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि जस्ट वी का गो विधअ द वेरी फेमस आर मैं बात कर रही थी आपके बारे <laughs> में और हम सोच रहे थे कि मालिनी इंस्पायर कैसे होती है मतलब क्या खाती <laughs> पीती कि वो रो, रोज कुछ नए उसके आते हैं वर्ल्ड की बात करूंगी आप फर्स्ट मेमरी ऑफ वर्किंग क्योंकि आप ऐसे लगते <laughs> हो कि आप कभी भी काम से थक एक्चुअली <laughs> मेरी आई थिंक पहला जॉब अ प्रोफेशनल डांसर एक्चुअली काफी लोग ये जानते नहीं है मैं सुखबीर की बैकअप डांसर होती थी, थी. फॉर सिक्स यर्स एंड ये जॉब मुझे ऐसे मिला था कॉलेज फेस्ट में क्रियोग्राफर्स आते हैं एंड माई कॉरियोग्राफर वॉज हिज ऑफिशियल कुरियोग्राफ़र तो जब हमेशा हाँ, की बात कर रहे हैं दिल्ली में मैत्री कॉलेज okay. और वहाँ पर मैं फैशन डांस सब कुछ करती थी और उस कॉरियोग्राफर ने रोनिका जेकब एंड द प्लानट्स उनका नाम था okay. um, और अभी भी उनका ट्रुप है एंड शी आसमी कि चलो वो लाइक टू जॉइन माई ट्रुप और बिकॉज ऑफ दैट आई एंड अप डांसिंग विद सारे जो एंड डी पॉप स्टार्स हैं यू नेम इड पेनाज मिसानी अनामिका सुखबीर

होने के बाद गेट द सीनियर डांसर का पैसा एंड बहुत प्रैक्टिस करते थे पाँच छः घंटे हर रोज मुझे याद है मैं मयूर विहार में रहती थी दिल्ली में एंड आई आईस टू ड्राइव टू रजौरी गार्डन हर रोज पाँच घंटे की प्रैक्टिस के लिए वो <laughs>

समथिंग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं स्कूल में आई डिट अप ऑलवेज टेकिंग दैम सो आई टू डू द प्लेस फैशन डांस तो आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे जहन में था सब कहते हैं कि मेरी नानी बहुत ऐसे परफॉर्मर थी और उनका अलाहाबाद में क्लब होता था शी यूज़ टू मेक एवरी वन डांस सो आई थिंक मे बी थोड़ा डी एन ए में भी होगा एंड देन इवेंचली जस्ट विकेम समथिंग दैर ऑफकोर्स पहले तो कॉलेज में अमित की तरह डांस करते थे एंड देन जब ट्रेनिंग मिली विद प्रोफेशनल ट्रूप देन हर रोज प्रैक्टिस कर करके पीछे am आप खड़े होकर डांस कर रहे थे फिर इवेंचुअली यू हैड टू इंटरव्यू देम एंड एंड आई कीप मीटिंग मैं शिबानी कश्यप के साथ भी डांस करती थी और तीस साल बाद हम यहाँ पर बॉम्बे में भी का, इत, काफी मिलते हैं इवेंट्स पे एंड मैं सबको बताती हूँ कि आई टू बी हर बैकअप डांसर एंड जस्ट इमेजिन की कहाँ से कहां इट्स जस्ट बिन सो इनक्रेडिबल एंड आई टू लव इट वो डांस ट्रूप का माहौल ही अलग होता है यू

जब शुरू हुआ था दैट होल पोर्टल तो मैंने एक मिड डे के साथ uh, काम शुरू किया था वहाँ पर आई आईज टू वर्क फॉर देयर चलो मुंबई उनका वेबसाइट जो था जी. और उसके बाद uh, मैं एक रैंडमली एक uh, मेरा एक एक्चुअली काफ़ी ड्रामेटिक ब्रेकअप हुआ था सो आई हैड क्विट माय जॉब जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ काम करती थी एंड देन आई वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब एंड एक कंपनी थी एशिया कॉन्टेंट और मैं जाके उनसे मिली एंड देन आई फाउंड आउट कि एशिया कॉन्टेंट एम इंडिया का सब कॉन्टेंट बनाती है एंड देट वॉज माई फर्स्ट टू में माई जॉब वॉयज मेरे बिजनेस इस कार्ड पे लिखा था चैनल हेड रोमांस इन सेक्सुअलिटी फॉर mtvindia. com ये मेरा जॉब था यहाँ सो सा, yeah, so सारे वेबसाइट पे सो so, जो सारा जो लव कंटेंट क्विज़ेस सब मैं लिखती थी और सारे जो लव लाइन के सवाल जवाब मैं लिखती थी और निखिल चंद्र के सारे स्क्रिप्ट्स भी मैं लिखती थी I still remember. This is like 22, 23 years ago. बहुत ज़्यादा काम है फॉर a यंग गर्ल. Yeah, है? but it was fun and I really loved it and I couldn't believe कि कोई मुझे ये uh, romance और love के बारे में लिखने के लिए पैसे दे रहा है. Like like <laughs> first of all I'm like I can't believe this is a job. And then I think radio का ऐसे हुआ था कि एक lunch break में एक एक uh, uh, मेरे colleague थे राजीव. और uh, जो बाद में हीज़ गॉन ऑन टू डू लॉट्स एंड एडवर्टाइजिंग ही टोल मी की अच्छा अभी तो अभी तक तो बस दूरदर्शन एक दो होते थे बट नाउ दे ओपनिंग प्राइवेट रेडियो स्टेशन और एक स्टेशन है जिनकी ऑडिशन चल रही हैं आप चले जाना सा और लंच ब्रेक में भी गई एंड आई हेड लिटरली गॉन विद ए हैंड रिटन स्क्रिप्ट कि मैं इज एंड इट वज इन इंग्लिश स्टेशन तब सब दोनों दोनों दो दो इंग्लिश हिंदी बहुत बजाते थे एंड आई वेंट विथ माई लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स की ये ब्रिटनी स्पीयर्स ये जस्टिन टिम्बलेकर ये मैं तो, टिप्स ये क्या कहूँगी आगे पीछे गाने के एंड यू नो आज सो वी हैव टू गो एंड रिकॉर्ड की पाँच छः लिंक्स रिकॉर्ड कर लो एंड गॉट द जॉब

Uh, किताब में मैंने ये स्टोरी बताई है कि आई हेड गॉन फॉर ऑडिशन फॉर वन ऑफ द channels एंड वहां पर आई सॉ कि ऑडिशन में कुछ भी समथिंग इंट्रोड्यूस योर सेल्फ

एंड ऑल एवरी वन अ सुपर मॉडल मुझे बाद में पता चला कि नाउ इन्फ्लुएंसेस कैन बी एनी शेप एंड साइज

सुपर मॉडल वाला एंड आई डिसाइड कि अभी मुझे विजय नहीं बनना होल न्यू राउंड ऑफ दिस इज द टाइम डोंट नो दिस थिंग्स राइट आई वेंट टू द एम टी वी ऑफिस विद फाइव कोडैक फोटोज फॉर एन ऑडिशन कि ये है मेरा पोर्टफोलियो मैंने ये जो मेरे सबसे बेस्ट हॉलीडे फोटोज लेके गई सो यू लर्न ऑल दीज थिंग्स लेटर इन लाइफ बट आई थिंक सब जो हुआ हैपन फॉर अ रीज़न

giving me my own show called Miss Malini's World. So imagine I didn't get to be a VJ, but I got my own reality show. So oh. it all worked out in the end. Yeah. Uh, jab aap us, um, I remember still discussing this in this very building, when uh. Miss Malini was literally bursting on the seams and everyone okay, i oh my God, what this kya aap, Honestly, tell me, mm. पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंटे <laughs> आप गिप ही नहीं दिखती है मगर वो वही दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग कि मेरा कंटेंट कभी गॉसिप का रहा But... ही नहीं है आई थिंक वो टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी अगर बॉलीवुड के बारे में लिखता है इट मस्ट बी गॉसिप एंड इट मस्ट बी लाइक सम चुगली और समथिंग लाइक दैट बट आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली जो जैसे पहले यू ब्लॉग कैसे शुरू हुआ हाँ बेसिकली मैं जब रेडियो uh, स्टेशन पे थी वो इट वॉज ओन कोर्स एंड मिड डे में कॉलम सत्रह साल पहले की बात है सत्रह साल इमेजिन जब भी मुझे उसका नाम था मालिनी मुंबई yeah. और उसमें मैं लिखती थी अबाउट ऑल द थिंग्स आई सी कौन कहाँ गया पार्टी में क्या पार्टी हुई एंड इवेंचुअली क्या होता था एडिटर यूज टू चॉप इट डाउन कि कौन सेलिब्रिटी किसके साथ आए और किसके साथ गए एंड सो आई रिमेंबर स्टार्टिंग द ब्लॉग टू थाउजेंड एट फिफ्थ मे का डेट है मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक वर्ल्ड प्रेस का अकाउंट शुरू किया था किस यी सेट कि आफ यू फीलिंग कि आपके जगह ही नहीं रहती पेपर में लिखने के लिए वाई डोंट यू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड दैट्स हाउ द ब्लॉग स्टार्ट एंड इट वॉज नेवर गॉसिप आई थिंक मेरा जो कैन दैन आई स्टूड जिस डॉक्यूमेंट की दिस अमेजिंग फेबुलिस लाइफ दर हम एक्सपीरियंस कि हम इवेंट में जाती हो मैं बॉम्बे में रहती हूँ कि हर दो यू नो दो कदमों में कोई सेलिब्रिटी दिख जाता है या कोई पार्टी में जाओ कोई दिख जाता है एंड इंटरनेशनली लोग तरसते हैं ये लोग yeah. देखने के लिए राइट आई मीन यहाँ पर बॉम्बे में रह के सब it's it's like right? मैं तो सब कुछ देखते प्यार एंड मैंने भी ब्लॉग इसलिए शुरू किया था बिकॉज आई लव बॉलीवुड एंड आई थिंक गॉसिपी और मैंने काफी साल पहले ये रूल बनाया था कि यू कैन नेवर राइट एनीथिंग यू कांट से टू फेस एंड एज़ अ गुड रूल एंड ये रूल सबसे फर्स्ट डे से नहीं था ये मैंने काफ़ी मुश्किल चीज़ों के बाद सीखा है दो चीज़ें हुई थी आई नो यू नो दिस मैंने पहली किताब में लिखा था कि मैंने क्यों ना इंटरनेशनली लोग सब सबको अच्छा लगता है जब सेलिब्रिटीज़ बिना मेकअप के दिखते एज एन जिनको जब उनको फोटोज़ मिलती हैं दे लव टू सी इट तो किसी ने मुझे रजनीकांत

सो द फर्स्ट टाइम आई मेड रणवीर सिंह ये बहुत साल दस पंद्रह साल पहले की बात है आई वेंट एंड आई सो रणवीर सिंह आई आम सो एक्साइटेड कि मैं ब्लैंडर्स ब्राइट फैशन टूर में रणवीर सिंह से मिल रही हूँ आई से हाई एंड ही सेड योर मिस मालिनी आई एम रियली मैरिड यू एंड आई सी वाई एंड ही सेट क्योंकि आपके ब्लॉग ने uh, मेरा मजाक उराया है एंड जस्ट यर दिस स्टोरी बिकॉज आई हैफ़ द गर्ल राइट्स फॉर मी सो ही सेड की सम्बडी हैड रिटन अ स्टोरी कि रणवीर सिंह शुड रैप हाँ क्योंकि तब उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी

जस्ट बिकॉज बिहाइंड कंप्यूटर बिना यू नो विमिटी के साथ आप कुछ भी कह सकते हो किसी के बारे में सो दैट्स रूल यू मेड योर नेम क्यूंकि नाम तो तब बनता है जब आप

तो वो इट हैपन्स टू भी मैं उसके साथ वो बहुत पहले ब्लू फ्रॉक होता है रेस्टोरेंट में उनके साथ खाना खा रही थी सो ही सेट कि पता है आई कटरीना कै ऑन माई फ्लाइट एंड शी वॉज विद्रॉप माई सोज लाइक विद विच बॉय तो फिर उसने ये कहानी बताई मुझे इट्स सच अ फनी स्टोरी दैट वो सेम रो में बैठे थे इन लाइक फर्स्ट क्लास इट जस्ट सो हैपन्स एंड ही सॉ कटरीना एंड ही डेंट रिकगनाइज रणबीर तो वो गूगल कर रहे थे कि कौन हो सकता है और वो सोच रहे थे कि रणबीर वो आयल में क्यों खड़े हैं बीच में सबसे क्यों बात कि है कौन टाइप्स ओके एंड देन ही टोल मी दिस एंड आई ब्रोक दैट स्टोरी अपने ब्लॉग पे एंड यू नो दिस लिटिल थिंग्स हैपन एन अदर क्रेजी थिंग हैपन इज रैंडमली मी एंड माय फ्रेंड्स हम बहुत पार्टी करने जाते ओके okay? एक यूज़डे को हम चाइना हाउस में थे सुबह के दो बजे ओके सब लाइट ऑन हो गई सब घर जा रहे फिर सडनली लाइट्स ऑफ हो गई म्यूजिक वापस चालू हो गया एंड वी वंडरिंग क्या हुआ क्योंकि सलमान खान हैज़ इन एंड सलमान खान ने सेट कि सबके क्रेडिट कार्ड वापस दे दो मैं आज सब के ड्रिंक्स आर ऑन मी ओके एंड देन ही स्टार्टेड हैंडिंग आउट अगेन दिस इज लाइक पंद्रह साल पहले हैंडिंग आउट बॉटल्स ऑफ शैम्पेन टू एवरी एंड मेरे पास तब वो स्मार्टफोन भी नहीं होता था एक कैमरा होता था मेरा वो डिजिटल ah, कैमरा और मैंने तीन फोटो लिए आई वन हम

आई वॉज अफ मीडिया की मीडिया रोब के अंदर होता है वरना मोस्टली आप क्या देखते हैं यू सी द प्रेस फोटोज ऐश्वर्या राय आई है चैकेट बोर्ड के सामने फोटो लिए अंदर गए अंदर क्या हो किसको नहीं मालूम नाउ एवरी वन नोज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बट आई वॉज दी ओनली वन पोस्टिंग अबाउट इट अपने ब्लॉग पर

I think I would ask उर्फी कि उनका सबसे पहला outfit क्या था जो उनने बनाया था और किस चीज़ से बनाया खुद से जो बनाया था हाँ. I think मैं उनसे actually मैं उनसे एक ये सवाल पूछना चाहती हूँ सालों पहले I remember जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी मैं uh, आइफा का backstage host करने गई थी ना? एंड आई रिम्बर की मैं हाँ और मैं मैं एक्चुअली मलाइका से मलाइका एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट गाउन पहन के बैठी सोफा पे मैं उनसे बैक स्टेज बात कर रही हूँ और इन दैट शॉर्ट दीपिका आई एंड शी किसमी ऑन द ची एंड लेफ्ट एंड उस टाइम तो मेरा इंटरव्यू चल रहा था मैं उसे कुछ पूछ भी नहीं पाए एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू डांस कर वट डेट किस फोर maybe you just very, maybe uh, who, i think because i used to always ship like write really nice things so i genuinely loved her yeah. so maybe that but and i want to I can to know. see her love yeah. for you yeah she's i she's like, think yeah. she really loves you and she yeah. respect your journey yeah so yeah. it's a beautiful wow uh, ananya pandey ananya pandey i think is just bang on unka juneayasho i think it's so clever because she's really playing that bass so yeah. well i think i would say ye pushna that how does she deal with

जब उनका एक कुछ लॉन्च हुआ था आई रिमेबर आई गोइ टू मैंट दीक्रेट टू अ गुड इंटरव्यू उन्होंने मुझे ये बताया था की आप पचास सवाल लिख के जाओ Magar, agar ek pochha, it's okay as long as you just say listen to his answers or fit up next question frame karo and i think that's real, been that's, great advice we've all used yeah. that, right? So i don't know what i would ask him i think i would ask him if he has any more advice for me yeah. <gasps> he's such a maverick yeah, yeah. oh salman khan oh man so salman khan and i actually have something in common that nobody knows about we both have the same nerve condition called trigeminal neuralgia which he talks about a lot <laughs> I also had the surgery two years ago so, <laughs> so it's pain free it's actually a very painful facial pain condition and I remember I had met him again at a I think toy or IFA carpet and I told him this and he was very nice about it because he knows how painful it is I want to ask him how he dealt with the pain for so long oh, yeah I know and now I know why he's so mad all the time <laughs> Ranveer Singh... Ranveer Singh... Aray, man... I think... There's what to ask him... I've asked him everything... I think that I have to ask okay, him... Okay... So the best hmm. thing that you hmm. felt you asked... And you got the coolest answer... Which you From him... I think... You know... I think he's just one of those people... That he's always been... Very quirky... And fun... I think I... I want to hear more... I've really shipped their love story... So huh? What was that moment... Where he fell in love with Dipika And how did he convince her... And how did he ask her out... Because I don't know if he's really told that full story yeah. like they told little bits and pieces of it but I want to know like what was that first moment Mashi, I think next book of hers is going to be on romance <laughs> has to be Bollywood <laughs> romance Ranbir Kapoor Ranbir Kapoor, I actually saw him you know, I think it's really interesting. And I think maybe this is probably the most controversial question I have for anyone. Is that Unka jo reputation of being sort of like a player or everything? It seems like he, after he got married, mm -hmm. he's really chilled out yeah. and calmed down and he loves his daughter and he's a big like he's a he's a good dad yeah. and all of that. So I wanna I wanna ask him, and what would he teach the other player boys?

the girl next door and quirky and full of love and and sunshine. So I can totally see coffee relatable hair. Um so I don't know if I'd ask her, but I think that i I think I'd ask her like how she learned how to do all these accents. <laughs> it's not easy, man. Yeah. yeah. I think observant hair boys sponsor. Priyanka Chopra Jonas Priyanka Chopra yes. Jonas, what a star. I think ki to, she's really reached that that global stage. Um

Somebody went and asked her some really crazy question about being, you know, drama with her exes and all that. Oh. And I remember she was really mad at her team that what have I hired you for? Agar people can still come and ask me such a rude question. And I remember I sat her down and I had a really nice chat and she was so warm and and friendly. I wanna she ask her is. she is. I wanna ask her that, you know, how did she deal with all the the very negative press or the very intrusive questions with such dignity. Because yeah, I yeah. think that's a, a good tip for anyone who has to deal with it today. I, I remember because mm. radio ke interviews, someone a lot of People se kuchha, ask such stupid things. Itne yeah. se, ha, <laughs> yeah. She said, I think question a but phir bhi, And she still, still. managed to curve a ball there and yeah. do something.

टाइम नंबर मेरा आया नेक्स्ट डे सुबह चार बजे बिकॉज वी वेटेड एट आवर्स बट आई सेट नथिंग डूइंग शाहरुख का इंटरव्यू है यहाँ मुझे पूरा हफ्ता सोना पड़ेगा मैं नहीं जाऊँगी जस्ट लीव मी वन कैमरा एंड आई रिमेंबर हमारा जैसे सेकेंड थर्ड लास्ट स्लॉट था सब वेबसाइट्स लास्ट में थे एंड मैंने हमारे पहले एक कोई वेबसाइट से थे और दे हैड है आई थिंक नाइन आवर्स वो रुके oh, थे God. और उन्होंने शाहरुख से क्या सवाल पूछा कि अच्छा शाहरुख जी आपके बारे में सलमान ने ट्विटर पर क्या बोला आपको कैसा लगा एंड शाहरुख ने कहा भाई जो आपको नहीं मालूम उसके बारे में मत पूछे इंटरव्यू वेटेड नाइन आवर्स शाहरुख एंड वी हैड गॉन विद एंड हम तो ये जब बिफोर सोशल मीडिया हम ये गेम्स खेलते थे तो आई मेड लाइक अभिषेक बच्चन प्ले श्रेड विद शाहरुख तो वो ही इज एक्टिंग शाहरुख इज एक्टिंग आउट ब्लफ मास्टर फॉर अभिषेक बच्चन नॉट नॉर्मली सी दैट एंड वो कॉन्टेंट भी काफी वायरल गया Wow, so, and I think usually, yeah. yeah, thank you. And usually, that's you think yeah, chapa, kya masala but we got enough good content that people were happy Do about it. On. Yeah, Alia Bhatt, Alia Bhatt, I think is just like the evolution yeah, she hai. has had. I still remember ki it just so happened to be, and this is funny. I don't know if I've told anyone this. We happened to be in Goa, jab wo uh, Urta, Punjab ka last scene film kar rahe the. So in the last Ooh. scene where the camera pans. My sister is in that last scene. Shalini Didi is in the last scene, sitting there where you know they're just panning on the ocean. The last few people. She's wearing her sunglasses. It's so funny because director was उधर and he said चलो जाओ बैठो scene and she shows everyone this film that she's <laughs> in the last scene that when Alia sitting on the ocean and all this. Uh, so I think what's amazing is that what people don't realize about celebrities get the end of the day.

I think I think I can't even ask कि अगर आप अगर आप genuinely ऐसे हो या क्या हो I think I think maybe if anything उनसे पूछूंगी कि अगर कोई कोई चीज उनके बारे में misunderstood है हाँ वो क्या है because people really feel yeah. वो drama hi kar rahi hai. कुछ Sahi nahi hai. but I think, I think it works I think क्या है ना कि I think kuch kuch logon ka brand ये hota hai to create the drama and build around it and she's kuch bhi कहलो she's made a career out of it क्या है आपको लगता है नेक्स्ट जो बहुत बड़ा होने वाला है ए आई

पूरी फिल्में बनाई जा रही हैं यूजिंग ए आई राइट सो इट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर यू शूड जस्ट इम्प्रेस इट एंड असाइट फ्रॉम दैट आई थिंक मोर समथिंग दैट द न्यू टेमनोलॉजी ऑन सोशल मीडिया आया है इट्स कॉल लो फाई कॉन्टेंट विच मींस इट्स नॉट ओवर प्रोड्यूस्ड इट्स शॉर्ट जस्ट कैजली यू आर नॉट ओवर डन इतना सारा ताम झाम नहीं है इट्स जस्ट यू एट अ कॉर्स सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रियलिटी स्ट्रिप डाउन टू इट ज गॉन फ्रॉम थ्री जनरे पंद्रह साल से एक्टिव है नया प्लेटफॉर्म आया कोई भी चैट जीपी टी ऐसा now I'm too old. That's what makes you old. I'm going to do a quick rapid fire after I talk to you about your uh, second book, which yes. is of course Under the intro. I Yay. love the cover. I love the Thank name. Thank you. Who came up with this title? So I have to say, I have to give credit to Anusha Dandekar for this because <gasps> no. we were chatting about this for a long time. We were thinking of doing a TV show together. We were <laughs> thinking of doing things together and we were just sort of like chatting about it. And she really came up with this really nice title for it, which is Under the Influence, which has such a great meaning. it's not just a double meaning, right? Under the Influence <laughs> and also Under the Influence. And we're and, all you know, under the influence of social media. Yeah, and actually I saw a video many where, you know, people talk about influencers and they said, see, influence isn't necessarily always a good thing. Yuki, when you are under the influence...

सब कुछ जो मैंने सीखा है जस्ट टू सेव यू टाइम क्योंकि आजकल का अटेंशन स्पैन काफी कम होता है इन ऑफ़ यू हैविंग टू गो एंड रिसर्च एवरी मैंने सब रिसर्च किया है कि वट इज़ द साइकोलॉजी और वैंड अगर मैंने ये साइकोलॉजी नहीं डाली होती फैक्ट्स या साइंटिफिक रिसर्च नहीं डाला होता देन पीपल मैं मानी तो कुछ भी कह सकती हैं बट आई वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर दैट द रीज़न कि क्यों होता है हमें क्यों फोमो होता है हमें क्यों डोपोमीन का इफेक्ट होता है हमें क्यों अच्छा बुरा लगता है इट्स एक्चुअली ऑल साइकोलॉजिकल एंड जो सोशल मीडिया एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ये समझते हैं दे एक्च

नहीं है दैट देअर नॉट दी ओनली वंस फीलिंग दिस फीलिंग्स एंड दैट वॉज द पर्पज ऑफ दिस बुक कि आपको भी ये और मैंने इस किताब में अपनी सारी गलतियाँ लिखी हैं जो 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 मैंने अपनी बताई है क्योंकि आई वॉन्टेड पीपल टू नो कि इट्स नॉट कि मैं आई वॉज बॉर्न विद अ होल नॉलेज ऑफ क्या करना चाहिए सारी जो मैंने गलतियाँ की हैं ट्रोल्स ट्रोलिंग में या जो मैंने कुछ भी मैंने uh, गलत लिखा किसी के बारे में सब कुछ बताया है जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स वट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न फ्रॉम इट एंड आई थिंक द अदर थिंग दैट आई रियली फील्ड रेजिनेटेड बुक में इज़ दैट देर इज़ अ नदर पीस टू इट जो हम हमारा जो ग्रीड है फॉर लाइक्स एंड फॉलोअर्स कि सब हमें प्यार करें देर इज़ अ नदर वे टू गेट दैट सेम डोपोमिन फीलिंग एंड इट साइंटिफिक इसका नाम है द हेल्पर्स हाई एंड जब जब भी आपको लगे और काफ़ी लोग हैं जिनको ये फीलिंग होती है जब वो अपना सोशल मीडिया खोलते हैं कि आज मुझे इतने लाइक्स नहीं मिले और किसी और को ज़्यादा मिले एंड अर इन गे अर इन इफ व्यूज़ जब भी आपको ये फीलिंग मिले

दे विल फील दैट डोप मीन एंड दे विल रिप्लाई और फिर और क्या पता है हम क्या करते हैं अर्चना जब भी हम कोई भी पोस्ट लगाते हैं और कम हमें कॉमेंट्स मिलते हैं हम कॉमेंट को रिप्लाई क्या कर देते हैं थम्सअप हार्ट स्टार बस हाँ oh. हम कॉन्वर्सेशन तो करते ही नहीं oh, है बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू कमिट टू दैट कॉन्वर्सेशन बट सबका प्यार हमें चाहिए न इफ़ यू थिंिंक अबाउट इट रियल लाइफ में अगर ये होता अगर आपने कुछ लिखा होता और किसी ने आपके लिए काफ़ी गेम अप टू यू एंड सर कि अर्चना आपने जो लिखा मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ क्या आप ये बस ऐसे हैंड मोशन करके हार्ट बना के चले जाते नहीं बट वी डोंट रियलाइज़ दैट एंड सो वी आर अपना अपने पेड़ पर खुलाड़ी मारे वी वॉन्ट रिलेशनशिप्स बट वी आर नॉट विलिंग टू हैव एनीथिंग डीपर देन अ वन वन कॉमेंट वन हार्ट तो अगर हम ये अपना थोड़ा सा चेंज करेंगे ना मेरी किताब में है इट्स कॉल द डन बार थियोरी अगर हम थोड़ा सा ये चेंज करेंगे कि बिहेव ऑन लाइन डन बार वन फिफ्टी दैट वी कैन हैव वन फिफ्टी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स अगर हम ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे दैट थिंक अबाउट जब भी आप ऑनलाइन कैसे बिहेव करते हैं आप रियल लाइफ में ये सेम चीज़ करते दे बिहेव द वे यू वड इन रियल लाइफ if you आर face to face with the person और आप अपना ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा आपके फॉलोअर्स <laughs> बढ़ेंगे आपका प्यार बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा as as you can. And authentic हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं authentic, मगर authentic के अलावा ये है दैट uh, investment invest in the people who are coming to you एंड इन्वेस्ट इन दीपल जो आपको प्यार दे रहे आपसे कुछ कह रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं दस कॉमेंट और आपको लगता है बस दस कॉमेंट और आप उन दस लोगों को इग्नोर करके ठोकर मार के चले जाते हैं एंड यू ओनली वॉन्ट दी अदर पीपल यू नो दिस इज बींग कौन से इंटरव्यू में आपको लगा की बहुत ऑनिस्टी आती है या उनको उनका इंटरव्यू करने में बहुत मजा आता है सन बट कुछ मेमोरीज रह एक मेरा सबसे पहले जो अमिताभ बच्चन सर के साथ इंटरव्यू था मैं बहुत डरी हुई थी मैं क्या इज ड्यूरिंग okay? oh. वो फिल्म उनकी आई थी ना पिंक जब ah. और वो आए थे अंदर अपने पिंक सन पहन के और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी इंटरेस्टिंग है लाइक अ ड्राई तो पता नहीं चलता है वन इज जोकिंग नॉट जोकिंग और उनके जो हेयर आर्टिस्ट है दीपक उनके हेयर बना रहे थे और उनके डीप वॉइस में He said, Dipak, enough. Deepak, enough. Yeah. So I started my live and I said, hey, guys, I'm here with Amitabh Bachchan, sir. And he said, on live, pe, he said, stop. And I said, what sir? And he said, why did you say, hey, guys, and not, hey, girls? I was like, oh, my God. I was like, i oh. And then after that, I did the whole interview, like, sweating, sweating. And at the end of it, I had a little something that I wanted to request him to sign. So crazily enough, like I said, I was born in Allahabad.

can I keep this? Now, of course, he can keep it if he wants to keep it, it's fine. Yeah. And he said something amazing. He said ki mere father uh, bahut saare aise handwritten notes likhte the. Thank you letters or like, uh, letters of commendation. Aur main saare logon ke paas, jen ke paas mere father ke letters hai, unse poochunga ki please send me those letters aur main uska ek kitab So can I keep this? And I will never forget that because what a crazy thing to happen. Yeah, and he does this for others. He and does he, this for others, yeah. And you have just extended that to people on Instagram. So yeah. you should write notes. Yeah, you should write notes. And <laughs> if by chance you have a letter from Amitabh Bachchan's father, please let him know. It'll go in that book. Uh, I just, I, I, I've always wanted to ask you one personal mm. question. Do you feel, do you feel, that in media, we have to connect with our inner voice ko, ke saath jo hai connect hai. because radio ra is hai very hai Yeah.

In, and listening to the radio each one is having a very individual experience Brilliant. which is why everyone pictures their favorite RJ as the best looking person you imagination pictured kia best looking best you know and then that's why it's it's this funny thing and that's why the 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 visual in your mind is always going to be better than the book and that's why no movie is better than the book right mm -hmm. so I think the amazing thing is with radio and with people in media is that द ऑडियंस हैज़ अ लॉर्ड ऑफ एम्पथी क्योंकि अगर आप और मेरे साथ भी और आपने भी कभी कभी किया होगा कि आज तबियत बहुत खराब है प्लीज बेयर विथ मी एंड बहुत प्यार आता है इन रिस्पॉन्स टू दैट डोज आर दिट शोज बिकॉज द गेट इट क्योंकि सबके पास ये हुआ है थोड़ा सा जुकाम है या ब्रेकअप हो गया कुछ ऑबियस से ना कि डीजेज प्लेंग सैड सॉन्ग्स डी जे का ब्रेकअप हो गया होगा यू नोज टू सेट विद्सो क्योंकि वनस इन वॉल यू निक इन आर सॉग्स आई थिंक दट आई डों थिंक वी लूज आर सर्वस आई थिंक दैट

They come alive. And she devij ji both right? That she was very shy, but in front of the camera she would just come alive. And I don't think that's a bad thing. I don't know if I wanna ask you this in a good or in yeah. a way. you have always supported other girls. I'm yeah. so rare to see. Yeah. I feel blessed to be in that circle and I just wanna ask you

अच्छा किया वन आई मूव टीय दे वज सो हेल्पफुल मेरी एक दोस्त होती थी जब मेरे आई डेंट है मनी टू पे रेंट बट शी वुड कीप कोई भी एक्सक्यूज़ बनाकर इन्वाइट मी ओवर फॉर डिनर दिया एंड प्रियंका दो सिस्टर्स हैं and they would always but mujhe that oh i can't afford it or whatever they would just make some excuse or <laughs> you know so i've always had that experience and i just feel that maybe sometimes these days especially in india girls might need a little more help so it might end up being like that but i don't think it's by design i think it's a gravitate towards good people and it like i said it's the dopamine i get मुझे इतनी खुशी मिलती है फ्रॉम मेकिंग समवन हैप्पी दैट इट्स आई एक्चुअली डूइंग इट फॉर माई सेल्फ आप जितनी मज़ेदार हैं उतनी आप सरल भी हैं आप यू uh, नो you know, आप जितना काम हार्डवर्क करते हैं आप उतने ही फ्री फ्लोइंग और काइंड भी हैं These qualities are very rare. Hoti and uh, I'm truly grateful for the way you are in Thank public, you. in personal, and in every capacity. Oh, Ashra, you made me feel so good. And I have to say the same about you. You're always so warm and so happy and full of sunshine and so supportive. And I think this is the lesson we should leave. If not us, then who? If not now, then when? Yay! <laughs> Radio City! Radio City! Radio City! Radio City! RAK RAK MI DOLE